इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब यही हुआ कि सिंपल लैंग्वेज बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, दे आर टू टाइप्स, वन इज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्शन होते हैं, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अट्रैक्टिंग, और ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन मतलब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिमिलर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, जैसे ये जैसे आपने देखो ना फेविकॉल के जो फेविकॉल का जो डिब्बा होता है उसके ऊपर लिखा रहता है एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब होता है कि वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, एडहेसिव का मतलब, तो इसका मतलब अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिमिलर मतलब बिल्कुल सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सिमिलर मतलब बिल्कुल सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सिमिलर मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको कोहेसिव बोल देंगे, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एडहेसिव बोल देंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म, मॉलिकुलर रेंज, मॉलिकुलर रेंज, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अदर मॉलिक्यूल, एक डिस्टेंस होता है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बाद वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इज इट क्लियर, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, up to which one molecule attracts other molecule, molecule attracts other molecule called its range, उसको range बोलते हैं। वैसे एक molecule दूसरे molecule को कितने distance तक attract कर सकता है, उसकी जो रेंज होती है दैट इज, अगर मैं रेंज ले लेता हूँ दिस रेंज आर, उसका जो रेंज होता है दैट इज नियर अबाउट नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर, नैनो मतलब, नैनो का मतलब क्या होता है, 10^-9 मीटर, ये अप्रोक्स है नियर अबाउट, तो बहुत छोटा डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल बहुत दूर चला जाएगा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स रेंज, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन का रेंज, जैसे अर्थ के अट्रैक्शन का रेंज इनफाइनाइट होता है, लेकिन मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन का रेंज बहुत ही छोटा होता है, दैट इज 10^-9 मीटर, ओके। देन थर्ड पॉइंट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये दोनों डेफिनेशन कॉपी कर लिया आप ऑजन का साहब ने, कर लीजिए, तो मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे आता हूँ, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैं यूज करूंगा, ओके।
So can I explain this one? Sphere of influence. Okay. Okay, just see the sphere of influence. Okay, take molecule at the center. This is a molecule. Let's say this is M stand for molecule. Ye molecule hai. M is molecule. Aur uska jo attraction range hai, imagine it as a radius. Take molecule at the center and in attraction range as a radius, that is 10 raised to minus 9 meter. Okay, 10 raised to minus 9 meter. Draw an imaginary sphere around it. Draw an imaginary sphere around it. Just here, I have a sphere draw around. ओके तो हमने क्या किया मॉलिक्यूल को सेंटर पे लिया और एक स्फीयर इमेजिन किया उसके अराउंड ठीक है वो एक्चुअली जो स्फीयर है ना उसका एरिया ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि इसके बाहर तो अट्रैक्ट करेगा नहीं ये इसका रीजन ऑफ अट्रैक्शन मतलब अपने नियर बाय मॉलिक्यूल्स को ही अट्रैक्ट कर सकता है लेकिन कहां तक अट्रैक्ट कर सकता है अप टू दिस डिस्टेंस आर यू गेटिंग तो ये जो है ना इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इमेजिन किया इस इमेजिनरी स्फीयर तो ये इसका एरिया ऑफ अट्रैक्शन है बेसिक तो व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टेक मॉलिक्यूल एट द सेंटर टेक मॉलिक्यूल एट सेंटर एंड इट्स अट्रैक्शन रेंज एज अ रेडियस And its attraction range as a radius. Imagine a sphere around it. Okay, that sphere called sphere of influence. समझ में आया ना व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉलिक्यूल को सेंटर पे लेके स्फीयर को इमेजिन कर लो फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं इमेजिन कर सकते हैं उसको कि उसके अराउंड एक स्फीयर है 3D में चारों तरफ तो वो उसके अट्रैक्शन का एरिया हो गया बेसिकली उसके बाहर वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए सर एक मिनट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिखाइए ना फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट टर्म है जिस फर्स्ट इसका टॉपिक है
ये पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, तो इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं बोर्ड्स वगैरह में ऐसी कॉम्पिटेटिव में इसके, लेकिन इसको समझना जरूरी है, मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो एक्चुअली सरफेस टेंशन एक फिनोमेना है, आपको मालूम है इट्स अ फिनोमेना। ठीक है, ये एक फिनोमेना है, इसको फिनोमेना समझते हो। ठीक है, ओके। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। हाँ ठीक है। जस्ट हियर लेट्स आई एम टेकिंग अ कंटेनर, मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में जो है मैंने उस कंटेनर में मैंने कोई लिक्विड ले लिया, और लिक्विड हम एक्सप्लेन करने एक्चुअली जा रहे हैं कि उसके ऊपर फिल्म का फॉर्मेशन क्यों। सी अगर मैं यहाँ पर एक तो लेट्स से ये क्या हो रहा, just hold on. सिस्टम हैंग कर गया आज। Let me draw it myself. Let's say here I am taking. Okay. Suppose यहाँ पे मैं कोई लिक्विड ले लेता हूँ here. Okay. I am taking liquid here. ठीक है, लेट्स से आई एम कंसिडरिंग थ्री मॉलिक्यूल्स, तीनों की पोजीशन अलग अलग मेंशन करते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग थ्री मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज मॉलिक्यूल ए हियर, लेट्स से दिस इज मॉलिक्यूल ए, लेट्स से दिस इज सरफेस, यहां से थोड़ा सा नीचे लेंगे दिस इज मॉलिक्यूल बी, एंड मैं टॉप पे ले रहा हूँ मॉलिक्यूल सी एट द टॉप। मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी, आई हैव टेकन थ्री मॉलिक्यूल्स ए बी सी, मॉलिक्यूल ए डीप इनसाइड द लिक्विड सरफेस, मॉलिक्यूल बी जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, एंड मॉलिक्यूल सी एट द टॉप ऑफ लिक्विड सरफेस। इज इट क्लियर? ओके, ड्रॉ एरिया ऑफ अट्रैक्शन अराउंड देमसेल्फ। ओके, एरिया ऑफ अट्रैक्शन बना देते हैं, तो इसका जो एरिया ऑफ अट्रैक्शन होगा दिस वन हियर, इसका एरिया ऑफ अट्रैक्शन जैसे हियर लाइक दिस वे, इसका भी एरिया ऑफ अट्रैक्शन होगा ये, तो इनका एरिया ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, आर यू गेटिंग द डायग्राम नाउ? आउटसाइड एयर इज प्रेजेंट एंड हियर लिक्विड इज प्रेजेंट, आपको दिख रहा है ना डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. Yes. हाँ, ओके ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल ए है ना, दैट इज डीप इनसाइड द लिक्विड सरफेस, मॉलिक्यूल ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड सरफेस, देन व्हाट विल हैपन, दिस मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन बाय इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, तो नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए इज जीरो। तो मॉलिक्यूल ए पे क्या है ना, मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए इज जीरो। बट व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल बी एंड सी, मॉलिक्यूल और बी और सी तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट उनका एरिया ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाला पार्ट जो है वो एयर में चला जाता है, एयर में एरिया ऑफ अट्रैक्शन एयर में जा रहा है, एंड रिमेनिंग पार्ट इन लिक्विड। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट वेरी वेरी स्मॉल, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल,
अब तुम ये बताओ, इमेजिन करो कि नीचे लिक्विड है ऊपर एयर है, तो नीचे मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे और ऊपर कम हो जाएंगे, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत कम होते हैं, एयर की डेंसिटी भी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो एयर का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है बिकॉज देयर नंबर्स, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं देयर डेंसिटी इज वेरी लेस, देयर नंबर आर लेस, सो ऊपर जो अपर अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन नीचे मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो व्हाट विल हैपन, इसके नीचे के मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, एयर के अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल कर दे रहे हैं, एयर के अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल कर दे रहे। तो सी देखो, ऊपर एरो थोड़े से कम हो गए, नीचे एरो ज्यादा हो गए, क्यों? क्योंकि एयर का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसमें एक छोटा सा डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा एफ, इसमें क्या होगा 50% एयर में चला गया सी वाले मॉलिक्यूल्स में, और रिमेनिंग 50% लिक्विड। तो एयर के मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलमोस्ट वेरी वेरी लेस, दे आर निग्लेक्टेड, तो इसको सिर्फ जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो नेट फोर्स हो जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर कंप्लीटली है और काफी डीप में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो लगता है, लेकिन अगर जैसे जैसे मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आता है तो उसका जो अट्रैक्शन का जो एरिया होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब एरिया ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के एरिया में कुछ पार्ट एयर में जाने लगता है। तो होता क्या है कि एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो उनका अट्रैक्शन भी कम होता है, तो क्या होता है अपवर्ड अट्रैक्शन कम हो जाता है, लेकिन डाउनवर्ड अट्रैक्शन इज मोर बिकॉज लिक्विड्स आर मोर इन द डाउनवर्ड, ऊपर कम है। तो जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं उन पे एक फोर्स लगने लगता है नीचे की तरफ, आर यू गेटिंग? और मैंने आपको बताया था कि इनका जो अट्रैक्शन का रेंज होता है, जो अट्रैक्शन का रेंज जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 10^-9 मीटर। तो 10^-9 मीटर का एक टॉप से 10^-9 मीटर तक जो है एक डाउनवर्ड फोर्स का एक डाउनवर्ड फोर्स का एक बैरियर क्रिएट हो जाता। व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग कि होता क्या है कि जब जब जैसे अगर मैं इस तरह से लिक्विड ले रहा हूं सीयर, तो व्हाट विल हैपन, ऊपर से जस्ट ईयर कितना डिस्टेंस, ये 10^-9 मीटर, ठीक है? तो देखो जब मॉलिक्यूल ये पूरा देखो मॉलिक्यूल अगर उसका स्फीयर के अंदर है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जैसे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके अट्रैक्शन का एक पार्ट एयर में जाने लगेगा, आर्गटिंग, तो उसपे क्या लगने लगेगा, एक डाउनवर्ड फोर्स का अट्रैक्शन का बैरियर लगने लगेगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लगने लगेगा उसके ऊपर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, इज इट क्लियर? यस सर। तो कहने के मतलब एग्जाम में इतने डायग्राम नहीं ड्रॉ करते हैं, सिर्फ ये राइट वाला ड्रॉ करते हैं, ये वाला आपकी बुक में हमेशा ये वाला डायग्राम, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी हो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस वन, ठीक है? मैं पहले लेट मी कम्प्लीट माई एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये बात समझ में आ गया कि ऊपर एक डाउनवर्ड अट्रैक्शन का बैरियर क्रिएट हो जाता है, जस्ट वेट, व्हाट इज गोइंग हियर, ओके जस्ट हियर, एक मिनट, जस्ट सिस्टम स्लो हो गया थोड़ा सा। चलेगा, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये, सपोज कर लो ये है इस तरह से, और ये ऊपर एक बैरियर क्रिएट हो गया, वो बैरियर कौन सा है, एक डाउनवर्ड फोर्स का बैरियर क्रिएट हो गया, इट्स अ बैरियर ऑफ डाउनवर्ड फोर्स जिसकी थिकनेस होती है 10^-9 मीटर, नीचे कोई फोर्स नीचे तो नेट फोर्स जीरो ही हो रहा है। तो ये एक थिन बैरियर ऑफ डाउनवर्ड फोर्स, थिन बैरियर ऑफ डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब तो ऊपर के मॉलिक्यूल्स को नीचे पुल कर लिया जाएगा, तो फिर सरफेस का फॉर्मेशन कैसे होगा अगर ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर के मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर, यह तो अगर ऐसे हो जाएगा तो सारे मॉलिक्यूल ऊपर के नीचे आ जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, सरफेस का फॉर्मेशन तो नेसेसरी है,
कोई लिक्विड बिना सरफेस के थोड़ी ना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे इन ऑर्डर टू मेक द सरफेस, ठीक है। तो नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं सरफेस बनाने के लिए। तो नीचे की जो सीएम मॉलिक्यूल दे विल मूव अपवर्ड, वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्यों ऊपर जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी वो ऊपर जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब इसको क्रॉस करते हैं दे हैव टू डू वर्क डन, वो कुछ वर्क डन करते हैं, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाएंगे दे हैव टू डू वर्क डन, वो वर्क डन करेंगे। वर्क डन अगेंस्ट व्हाट, वर्क डन अगेंस्ट डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स का जो बैरियर है ना उसके अगेंस्ट उनको वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब नीचे के जितने भी मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे उनके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, दे पोसेस व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, दे पोसेस पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग? सो वर्क डन बाय मॉलिक्यूल्स जस्ट ओके, वर्क डन बाय मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वर्क डन बाय मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाउनवर्ड फोर्स इज कन्वर्टेड इंटू पोटेंशियल एनर्जी, इज कन्वर्टेड इंटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आर यू गेटिंग? इसका मतलब सरफेस मॉलिक्यूल पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस मॉलिक्यूल पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये बात समझ आया? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया? बोल देंगे yes. हाँ, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, आप इसको लेट मी तीन चार लाइन लिख देता हूँ, कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, आपको ये मालूम है कि कोई भी सिस्टम होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़ा हुआ है कि कोई भी सिस्टम होता है वो स्टेबल कब होता है, जब उसके पास एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए? यस, कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल कब होता है, जब एनर्जी ज्यादा होगी कि एनर्जी कम होगी? कम होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब कि दिस सरफेस विल बी इन स्टेबल कंडीशन, या सरफेस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड सरफेस, और यू कैन से दिस सिस्टम इज इन स्टेबल कंडीशन when potential energy on the surface should be minimum, when potential energy on the surface should be minimum, should be minimum, minimum होना चाहिए। तो minimum कैसे होगा, फिर आप कहेंगे जितने भी molecules नीचे से ऊपर जाएंगे सबके सब work done करेंगे, और सबके सब everyone will do work done and they will acquire what, potential energy। तो मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, तो एक काम करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे कम कर देते हैं, टू मेक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट द सरफेस, टू मेक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट सरफेस, एट सरफेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस शुड बी लेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस शुड बी लेस, उनके नंबर कम होना चाहिए, should be less, उनके नंबर कम होना चाहिए। आप कहेंगे नंबर कम होंगे, ओके, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस, चलो नंबर कम कर देते, उनको कम कर देते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस अगर उनके नंबर कम हो गए, देन व्हाट विल हैपन, वो बड़ा सरफेस बनाएंगे कि छोटा सरफेस बनाएंगे? अरे अगर कम मॉलिक्यूल होंगे तो दे हैव टेंडेंसी टू मेक स्मॉल सरफेस एरिया, if number of molecules are less their tendency
देयर टेंडेंसी टू मेक स्मॉल सरफेस एरिया, वो छोटा सरफेस एरिया बनाने की कोशिश करेंगे, बड़ा सरफेस एरिया नहीं बना सकते। क्यों? आप कहेंगे बड़ा सरफेस एरिया इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इनके नंबर कम है, तो कम नंबर है ना। अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी को मुझे कम करना था, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी को कम कैसे किया, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम कर दिया। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए, तो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम करेंगे तो देयर टेंडेंसी टू मेक स्मॉल सरफेस एरिया, वो छोटा सरफेस बनाएंगे, फिर कहेंगे नंबर कम है तो आई विल मेक स्मॉल सरफेस एरिया। सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे ये अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, जैसे टॉप व्यू ये सरफेस है, ये मॉलिक्यूल है, दे वॉन्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, तो व्हाट विल हैपन? ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन ऑल डायरेक्शन, दे वॉन्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल डायरेक्शन, अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, दे वॉन्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उनकी सिचुएशन कैसी हो जाती है? देखो मैं, दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप देखते हैं ना बलून ब्लास्ट हो जाता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बर्थडे वगैरह होता है, बलून वो लगाते हैं, बलून ब्लास्ट हो जाता है, तो जब ब्लास्ट हो जाता है तो उसके छोटा सा फ्रेगमेंट आप होल्ड करते हो, उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हो ना। बलून अगर ब्लास्ट हो जाता है, उसका छोटा सा पीस है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, आप उसको स्ट्रेच करके ग्लास के ऊपर फिट कर सकते हो ना। ये सपोज के लिए बलून है, ब्लास्ट हो गया, छोटा सा पीस है, और दिस इज अ ग्लास हियर, तो आप इसको स्ट्रेच करके इसके ऊपर फिट कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, तुम उसको बड़ा सरफेस बनाने के लिए बोल रहे हो, तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं बिल्कुल, दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच प्लास्टिक मेम्ब्रेन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से, जितने भी मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाते हैं सबके सब वर्क डन करते हैं, सबके एवरीवन मे रिक्वायर पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने बोला कि कोई सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उनके पास आ जाएगी, तो एक काम करता हूँ, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम कर देता हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम कर देता हूँ तो क्या होगा, दे विल मेक अ स्मॉल सरफेस एरिया, फिर वो छोटा सरफेस बनाएंगे। ठीक है, छोटा सरफेस बनाने के लिए सरफेस विल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, अल्टीमेटली वो स्ट्रेच हो जाते हैं पूरी तरीके से, दे वॉन्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बट दे आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, और कम मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं लेकिन चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो अल्टीमेटली वो बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। आर यू गेटिंग? अब ये बात क्लियर हुआ कि जब मैंने एक आंसर क्लियर हो गया, क्या, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी लिक्विड का ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल शेप का क्यों होता है? कोई भी लिक्विड, अगर छोटा सा लिक्विड अगर रिलीज करोगे एयर में, तो अल्टीमेटली वो स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है? वाई? क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, तो वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम बनाने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे सपोज कर लो, आपको मालूम है ओल्ड डेज में बुलेट की गन्स कैसे बनाई जाती थी, नीचे लिक्विड रख देते थे, ठीक है, और यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे गिरा देते लिक्विड, लेकिन जब लिक्विड नीचे आता था ना, तो आते आते वो स्फेरिकल शेप ले लेता था। क्यों ले लेता है? क्योंकि वो सरफेस कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अपना शेप कैसा ले लेता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है, क्योंकि स्फीयर का सर्फेस एरिया सबसे कम होता है, आपको मालूम नहीं, मालूम होगा स्फीयर का सर्फेस एरिया सबसे कम होता है, तो एक्चुअली स्फेरिकल शेप ले लेता था। जैसे लेड की बुलेट बनानी, ये भी लिक्विड है
और जैसे ही आपने गिराया उसने स्फेरिकल शेप ले लिया, और जैसे ही उसके अंदर आएगा एकदम से वो कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह से स्फेरिकल बुलेट्स बनाए जाते हैं। आर यू गेटिंग? सो वो भी लिक्विड, आप देखो रेन ड्रॉप आता है तो स्फेरिकल शेप ले लेता है। व्हाई? बिकॉज उसका सरफेस पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होकर स्फीयर बना देता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब लिक्विड का सरफेस कैसा होता है, इट वॉन्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है। तो हमें दो तीन बातें यहाँ पे एक्चुअली बताना जरूरी था, एक्चुअली है ये पूरी थ्योरी लेकिन मालूम होना चाहिए लेकिन लिक्विड सरफेस कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, सरफेस एरिया मिनिमम करने के लिए हमेशा। अब आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं बोलूंगा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, समझ जाना वो सरफेस टेंशन वाली बात हो रही है। ठीक है, गॉट दिस वन? ये बात क्लियर हुआ थ्योरी? यस। कॉपी डाउन फास्ट जितने डायग्राम, एक ये डायग्राम जरूरी है, ये दिस वन, दिस डायग्राम इज नेसेसरी। ये एग्जाम में आता है तो इतने डायग्राम बच्चे ड्रॉ नहीं करते, एक ही ड्रॉ करते हैं, बाकी सब वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। 12th की बुक आप लोग ले ही लो। सर वो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लास्ट पॉइंट था वो दिखाओगे क्या एक बार? दो मिनट के लिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ ये लास्ट यही था बेटा। हाँ सर बस यही दो मिनट। अच्छा यस ये बॉयज एंड गर्ल्स कॉपी कर लीजिए, मैं इंस्टॉल करूं क्या वर्जन का? देखो चार मिनट बाकी है, तुम लोग क्या करो? ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो ये लिख लो पूरा, ये कॉन्सेप्ट लिख लो पूरा। रीजेंट करना है? हाँ बच्चे रीजेंट करना है क्या? फिर नहीं, फिर मत ज्वाइन करना रहने।
पढ़ लेना, तो नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू. सर फिर जिसका हो गया जाए क्या? हाँ जा सकते. आप लोग तैयारी करके रखिए टेस्ट की, जैसा भी होगा हमको बता देंगे संडे को. या संडे की होगा टेस्ट. कंप्लीट एंड एग्जिट. सर संडे को ऑनलाइन ही है ना? अब बता देंगे आपको, सैटरडे बता देंगे. सर अगर हमने कॉइन पे वाटर ड्रॉप्स डाले उधर भी सरफेस टेंशन होता है ना? हाँ, अगर बैलेंस का पॉइंट हैवी हो जाए, अगर नीडल बैलेंस हो जाए, नीडल लुक जाए, नीडल समझते हैं ना? हाँ सर. हाँ, नीडल बैलेंस हो जाएगी. नीडल मतलब लाइटर ऑब्जेक्ट रखो यार, इतनी कोई बहुत बड़ी कोई लेयर थोड़ी ना है, 10^-9 meter की है. ऐसे देखो ना, वाली लेयर देखो ना, जैसे आप कॉफी है चाय वगैरह पीते हैं ना, आप देखो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है. हाँ सर. तो आप उसके ऊपर एक निडल रखोगे तो वो डूबेगा नहीं, लेकिन पॉइंट वगैरह रखोगे तो सिंक कर जाएगा, वेट ज्यादा होता है. बट छोटे छोटे इंसेक्ट मूव कर सकते हैं इसको. सर हाँ सर, वो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स नीचे आने के बाद नीचे के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर जाते हैं, तो फिर उन पे वो फोर्स नहीं लगता क्या वापस? नहीं, वही तो, वो वर्क डन करके जाते हैं ना, इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं. मतलब ये देखो, सरफेस का फॉर्मेशन कैसे होगा, नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, कुछ वर्क डन करते हैं, और वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो वहां पे रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है इसलिए वो रुक जाते हैं. ओके सर. सर ये डायग्राम नीचे का कल एक्सप्लेन करेगा.